हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सभी प्रकार के मीटरों के बारे में फुल उसका डिटेल जानेंगे। तो ये आपका क्लैंप मीटर है। तो इस मीटर का यूज अधिकांश हम किसी भी वायर का करंट मेजर करने के लिए करते हैं। इसमें और भी विकल्प दिया रहता है, आपका रेजिस्टेंस मेजर करना, वोल्टेज मेजर करना इत्यादि दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीमीटर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक होता है आपका कि आप किसी भी वायर को इससे लगा देंगे तो ये आपका करंट बताने लगेगा। ठीक है, ये आपका मीटर है, टेकोमीटर से बोलते हैं। तो इस मीटर के यूज हम किसी भी मोटर की स्पीड ज्ञात करने के लिए करते हैं। और ये आपका मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है। तो किसी भी सप्लाई का, किसी भी एसी सप्लाई का हम फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए इस मीटर का हम पहले में लगा के इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये मीटर है आपका एम्पेयर मीटर। तो किसी भी सर्किट का करंट मेजर करने के लिए इसे हम सीरीज में लगाते हैं, तो करंट मेजर करने के लिए इसका है हम करते हैं। और ये आपका है वोल्ट मीटर, इसको हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। तो ये वोल्ट मीटर करंट जो 0 से 500 के बीच में है, तो किसी भी सर्किट का वोल्टेज मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये आपका मीटर है वाट मीटर, इसको किलो वाट मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये 0 से 3 किलो वाट के रेंज में है। तो इसका यूज हम किसी भी सर्किट का पावर ज्ञात करने के लिए करते हैं। ये वोल्टेज और करंट का गुणनफल को दर्शाता है। ये आपका मीटर एनर्जी मीटर है। तो किसी भी सर्किट का आपका एनर्जी मेजर करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और यहाँ पर जो मीटर है ये आपका माइक्रो फैराड मीटर है। तो इस मीटर का यूज हम किसी भी कैपेसिटर का माइक्रो फैराड ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर जो मीटर है ये आपका मीटर है, इसको हम लक्स या डिजिटल लक्स मीटर बोल सकते हैं। तो किसी भी लाइट का लक्स मेजर करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस मीटर का नाम है एनालॉग मल्टीमीटर। इस मीटर का यूज हम अधिकतर रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए करते हैं। हम नेक्स्ट मीटर को देखेंगे। तो ये आपका जो मीटर है इसको ओम मीटर कहते हैं। तो इसका स्केल अनंत से 0 तक होती है। तो सबसे पहले पॉइंटर अनंत होगा, उसके बाद 0 की तरफ बढ़ेगा। इस मीटर का यूज हम जहाँ पर मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करना है वहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर जो मीटर है इसको हम डिजिटल फ्लक्स मीटर बोल सकते हैं। किसी भी मैग्नेट का फ्लक्स मेजर करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ये आपका डिजिटल मीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है। इस मीटर के यूज हम करेंट, वोल्टेज तथा रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं।